गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्राणायाम के बारे में। इस पिछले वीडियो में आपने प्राणायाम के बारे में जाना था कि जब शिवम और नितिन सुबह की सैर के लिए बगीचे में गए थे तो वहाँ उन्होंने अनेक लोगों को देखा था। कुछ लोग वहाँ पे जो मार्ग बना हुआ था बगीचे में उस पर दौड़ रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग बगीचे के बीच में बैठे हुए थे और तरह तरह की मुद्राएं बना रहे थे। तब उन सबको देखकर शिवम को ये उत्सुकता हुई थी कि वे लोग क्या कर रहे हैं, और जब वो उनके पास गए और उनसे पूछा तो उनमें से एक योगा का अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था, और उन्होंने कहा था कि देखो आज हम प्राणायाम सीख रहे हैं। तब किसी व्यक्ति ने पूछा था कि प्राणायाम क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड extension of the breath. By practicing it, we can reduce our breathing rate. Reduced breathing rate has a lot of benefits. It slows down heart rate, reduces blood pressure, and relaxes body and mind. Pranayam increases our life expectancy. अब आप ये जानेंगे कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ब्रीथ का मीन्स होता है श्वास लेना। ब्रीथ का मतलब क्या हुआ? सांस लेना। ये आप देख रहे हैं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार। एंड कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना। तो जो ये प्राणायाम होता है, ये हमारी जो श्वसन क्रिया है, जो हम श्वास लेते हैं, उसको नियंत्रित करती है और उसका विस्तार भी करती है। कभी आप देखते हो कि आप आराम से बैठे हो तो श्वास आपकी ठीक से चलती है, बराबर से। कभी आप तेज दौड़ते हुए आते हो तो आपकी सांस क्या होती है, तेज गति से चलने लगती है। आपने महसूस किया होगा ना, सांस आपकी तेज गति से चलने लगती है। तो ये जो प्राणायाम जो हम करते हैं, इसके द्वारा हम अपने सांसों की गति को, उसको क्या कर सकते हैं, उनका नियंत्रण और विस्तार, वो प्राणायाम होता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करें, प्रैक्टिस करना यानी अभ्यास करना, अगर हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो हम हमारी श्वसन दर को घटा सकते हैं। जो हमारी सांस लेने की गति है उसको हम धीमे कर सकते हैं। श्वास लेने की गति को आप बढ़ा सकते हैं और धीमे कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यह श्वसन दर, जो हमारी सांस लेने की गति है, वो अगर घट जाती है तो इसके हमें अनेक फायदे होते हैं। बेनिफिट्स का मतलब होता है फायदे। इसके हमें बहुत फायदे होते हैं। इट सॉल्व्स डाउन हार्ट रेट। यह दिल की धड़कन को धीरे करता है, स्लो करता है। इट स्लोज डाउन, यह हमारे स्लो करना यानी धीमा करना। यह हमारे हार्ट, दिल की धड़कन को, दिल की गति को क्या करती है? धीमा करती है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। वो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है? कम करती है। प्राणायाम जो हम करेंगे तो उससे हमारे दिल की धड़कन को भी वो धीरे करेगा और हमारे ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा? कम करेगा। तो अगर वो जब कम हो जाता है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, जब हमारा अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और शरीर, तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर और दिमाग तनाव रहित हो जाता है। तो प्राणायाम के द्वारा जब श्वसन दर धीमी हो जाती है तो उससे हमें कई फायदे मिलते हैं। इससे हमारा शरीर और दिमाग कैसा रहता है? तनाव रहित रहता है, रिलैक्स में रहता है। प्राणायाम इंक्रीजेज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो प्राणायाम है, यह हमारे जीवन की उम्मीद को बढ़ाता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। प्राणायाम जो है,
ये कब करना चाहिए? एम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट। प्राणायाम हमको खाली पेट ही करना चाहिए, मतलब आपने कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, हो सके तो हमको इसको मॉर्निंग में सुबह के समय ही प्राणायाम करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट द इवनिंग, आप इस प्राणायाम को शाम को भी कर सकते हो। इवनिंग मीन्स शाम को भी कर सकते हो, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। जो आपने खाना खाया है, जो आपने भोजन किया है, उसके बीच में 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आपने जो भोजन किया उसके 4 घंटे के अंतराल के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड जॉइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम और नितिन को भी बहुत ये सब देखकर रुचि आई, उनको बहुत इंटरेस्ट आया और उन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया योगा टीचर की अनुमति के बाद। जब योगा टीचर से बात कर ली, उनसे उस प्राणायाम के बारे में जानकारी ले ली, तो उसके बाद उन्होंने भी उसमें रुचि दिखाई, उन्होंने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो आप भी इस प्राणायाम के फायदे को जानिए कि प्राणायाम करने से हम अपनी श्वास की दरों को कंट्रोल में कर सकते हैं और इससे हमारा शरीर और दिमाग भी तनाव रहित रहेगा और हमारे जीवन जीने की उम्मीद इससे बढ़ जाती है।